मज़ेदार बाजार जैसा टेस्ट क्रिस्पी, ये देखें आप, ये देख सकते हैं इतना मज़े का क्रिस्पी क्रंची, बहुत ही टेस्टी बनाए, बाजार वाली रेसिपी बिल्कुल। आज मैं अपने न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाने वाले हैं केक रस्क। केक रस्क बहुत ही इजीली होममेड जल्दी से बन जाएंगे। इसको मैं ओवन में बनाऊंगी, तो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर। बेकिंग ओवन में हम इसको रेडी कर लेंगे इजीली। ये मैंने 6 अंडे ले लिए हैं, 2 कप मैंने चीनी का पाउडर ले लिया है, 2 कप मैदा ले लिया, 1 कप मैंने ये वाला मेयरमेंट कलर लिया है। इसके बाद मैंने फूड कलर लिया है, ये मैंने ले लिया है फूड कलर, 1.5 टेबल स्पून ये वाला आप देख सकते हैं। और मैंने लिया है बेकिंग पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, ये वाला 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। उसके बाद वनीला एसेंस लेना है हमने, ये हमने लेना है 1.5 टेबल स्पून ये वाला है। उसके बाद हमने बटर लिया है 200 ग्राम्स का, अनसॉल्टेड बटर लिया है मैंने। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने जिसके लिए एक बड़ा बाउल ले लिया है और ये मैंने हैंड बीटर ले लिया है ये वाला। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर, सबसे पहले बटर ऐड करते हैं। बटर हमने रूम टेम्परेचर का लेना है, ज़्यादा ठंडा नहीं लेना, और ये अनसॉल्टेड लिया है मैंने बटर। अब ऐड करेंगे शुगर इसके अंदर, शुगर पाउडर जो कि मैंने 2 कप लिया है, ये हम ऐड कर रहे हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। ये देखें दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, इस तरह का होना चाहिए। ये देखें मिक्स होने के बाद इस तरह का हमने कर लिया है। इसके अंदर हम एक एक करके अंडा ऐड करते जाएंगे और इसको फेंटते जाएंगे। ये अंडा ऐड किया हमने, अब इसको फेंटते हैं, इसको अच्छे तरीके से मिक्स अंडा ऐड करते हैं। ऐसे ही हम 1 बाय 1 सारे अंडे ऐड करते जाएंगे, इसको फेंटते जाएंगे। मैं ऐसे ही स्टेप कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे अंडे हमने ऐड कर लिए हैं, इसको ऐसे हम फेंट रहे हैं अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है, हमने इसके अंदर थोड़ा 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 मैदा कर करके डालते रहे। ये देखें ज़रा इसका कितना मज़े का, ये देखें कि मज़े की ये बनी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ। अब इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं, फिर इसको मिक्स करते हैं। अब साथ ही फूड कलर ऐड कर देते हैं, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। फूड कलर डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया, आप ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, ये कलर कितना ज़बरदस्त आ गया केक रस वाला। इसकी थिकनेस आपको मैं दिखाती हूँ कितनी होनी चाहिए, ये देखें इतनी हमने, इतना थिक रखना है ये बैटर। चलें अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं वनीला एसेंस, 1.5 टेबल स्पून वनीला एसेंस ऐड करते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं। अब ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है 30 मिनट्स के लिए। जितने ओवन हमारा प्री हीट होता है इतने फिर मैं मिलती हूँ आपसे। मैंने केक का नॉन स्टिक वाला पैन ले लिया, ये देखें इसके अंदर मैंने ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लिया अच्छे तरीके से, ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब हम इसके अंदर बटर पेपर रखेंगे, ये देखिए बटर पेपर को मैंने पहले ही कटिंग कर लिया है। अब इसको हमने ऐसे सेट कर देना है। अब इसके ऊपर हम अपना बैटर डालेंगे जो मैंने बनाया है। देखें इसको मैंने साइडों पे भी बटर पेपर लगा दिया है ऑयल से ग्रीस करके। अब इसके अंदर हम अपना बैटर ऐड करते हैं। ये इतना थिक होना चाहिए, आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है जैसे बटर होता है, और कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है। बटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको बिल्कुल इक्वल कर दिया। अब हम इसको ओवन के अंदर रखते हैं। आधा घंटा हो चुका है, हमने ओवन प्री हीट होने के लिए पहले ही रख दिया था, आधा घंटा हो चुका है। अब हम ये बैटर रखते हैं उसके अंदर। ये देखें ओवन में से कितने धुएं निकल रहे हैं, बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम रखते हैं, ये मैंने हाफ बैटर लिया है, हाफ हम बाद में रेडी करेंगे। अब ओवन बंद करते हैं। अब इसको रख दिया मैंने, अब हमने इसको 25 मिनट के लिए छोड़ देना है, इसको बेक करना है हमने। फिर जैसे ही रेडी होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये हमारा रेडी हो चुका है, ये बड़ा मज़े का लग रहा है, ऊपर तक फूल के आ गया है। अब मैं इसको निकालती हूँ पैन से, फिर मैं इसकी कटिंग करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा बड़ा मज़े का केक रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद फिर इसका केक रस बन जाएगा। कटिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े का बना है, कलर भी इसका बहुत प्यारा आ रहा है। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है, अब हम इसको हाफ करते हैं, बीच में से कट करते हैं। ये देखें, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसको ओवन में वापस रखना है, नीचे की ग्रिल्स भी ऑन कर दिए हैं, हमने नीचे का कलर देना है, फिर उसके बाद ऊपर की ऑन करेंगे, ऊपर का कलर आएगा, फिर मिलते हैं। इतना प्यारा सा कलर आ चुका है, अब हम इसको टर्न करेंगे। ये एक साइड का कलर आया है, अब इसको टर्न करते हैं, फिर दूसरी साइड से फिर हम बेक करते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं। देखें गाइस, ये हमारे रेडी हो चुके हैं केक रस, और इसको मैंने ओवन से निकालने के बाद 40 मिनट के लिए हवा के नीचे रखा है, पंखे के हवा में रख के इसको ठंडा कर लिया है, और ये बहुत मज़े के बन गए हैं, ये देख सकते हैं आप। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।